सो आई एम गोइंग फॉर पैरा सेलिंग. मेरा बहुत ज्यादा फियर है लेकिन फियर को ओवरकम तो करना ही पड़ेगा. तो भी बहुत ही हिम्मत करके हमने पूरा पैकेज ले लिया है. एक बार वो फटाफट से इतनी जल्दी तुम्हें क्विकली ले जाते हैं कि तुम्हें सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि तुम्हें डर लग रहा है नहीं लग रहा. गए तो गौतम अंडर सी वॉक करने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा डर ना मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक रहे, वो पैनिक ना करे. और पैरासेलिंग ट्राई करा था आपने? सी वॉक भी किया. तो कौन सी ज्यादा अच्छी लगी आपको? सी वॉक वॉज गुड. ऐसी आइलैंड पर आकर ना आप लोग वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं. हाय गौतम, so let's go for jet skiing. अभी जो हमारे साथ गए थे ना, अभी जिनका मैंने अभी शूट करके दिखाया, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही गिर गए. आई डोंट नो उनका वेट का चक्कर था क्या था. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटाया एंड टुडे इज आवर डे 2 इन पटाया. एंड आज की भी हम लोगों ने अपनी आइटिनरी सेट कर दिया आप लोगों के लिए कि आज हम आप लोगों को लेकर जाएंगे कोरल आइलैंड, जिसे कोलान आइलैंड भी कहा जाता है. एंड इस ब्लॉग के अंदर आपको हम अच्छे से बताएंगे कि कैसे आप लोग भी अपना ये प्लान पूरा टूर कर सकते हैं, कि जिसके अंदर आपको पूरी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज इंक्लूड होंगी, आपको लंच दिया जाएगा वो भी अच्छे खासे इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर, एंड आपका पूरा हाफ डे टूर होगा. क्या रेट पड़ता है, क्या सब कुछ होगा, वो आपको हमारे ब्लॉग के थ्रू देखने को मिलेगा. एंड यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइड मिलता है जो कि आपको के साथ हिंदी में भी कन्वर्सेशन करता है. जिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के लिए, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सॉर्टेड रहता है. एंड हम लोगों को उन्होंने पिकअप किया हमारे होटल से. पूरा टाइम हम लोगों को दिया गया था कि 10:30 आपका पिकअप हो जाएगा. एंड बिल्कुल सेम उसी टाइम पर वो लोग आ गए. हमारी कैब के थ्रू आए थे, काफ़ी अच्छी कैब थी अंदर से. एंड हम लोग वहाँ पर बैठ कर पहुँच गए थे सीधा सबसे पहले स्टॉप पर बाय स्पीड बोट. एंड जो स्पीड बोट थी वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रही. हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया ना स्पीड बोट के अंदर, एंड पता ही नहीं लगा, जस्ट 5 मिनट्स के बाद हम लोग पहुँच गए थे. एंड ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है हमारा फर्स्ट स्टॉप, जहाँ पर सबसे पहले जो एक्टिविटी ये लोग करवाते हैं वो है पैरा सेलिंग. एंड अगर आप देख रहे होंगे ना कितना प्यारा, अभी मौसम भी हुआ है, थोड़ी धूप भी है, हवा काफ़ी अच्छी चल रही है. सो पैरा सेलिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है. स्पीड बोट लेकर जाएगी आपको पूरा बीच का, ऐसे एक राउंड दिलवा के लाएगी. एंड इनफैक्ट आपको बीच का अगर पूरा डिप लेना है तो वो भी आप लोग डिप ले सकते हैं. ये जो है ये आपकी कम्प्लीटली चॉइस होती है कि आपको डिप लेना है या नहीं लेना है. इन सब एक्टिविटीज के लिए आपको स्विमिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब जिनको स्विमिंग नहीं आती वो भी लोग कर सकते हैं जाके. गौतम तो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि तू ट्राई कर ले, तू एक बार जरूर ट्राई करके देख, बट मुझे थोड़ा सा सी से फोबिया है. मतलब हाइट से नहीं है, बट मुझे पानी से थोड़ा लगता है. ये जो रहता है ये टूर के अंदर इंक्लूड नहीं होती, इसके लिए थोड़ा एडिशनल पे करना पड़ता है. मैं गौतम को बोल रही हूँ कि तुम ट्राई करो, बट ही इज लाइक मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तू कर ले, तू कर ले. नहीं, मैंने पहले किया हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूँ, अमृत तंग तू है ये कर ले, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई अमृत तो यहाँ पे, मतलब एक्सपीरियंस करना चाहिए ना पटाया में. हाँ वो तो है. एंड मैं सबसे पूछ कर आ रही थी अभी एक और लड़की ने किया, एंड शी सेड कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आता है, बट अच्छा है, वन टाइम एक्सपीरियंस करना चाहिए. तो भी बहुत ही हिम्मत करके हमने पूरा पैकेज ले लिया है, जिसमें सारी एक्टिविटीज इंक्लूड है, जिसमें पैराग्लाइडिंग, बनाना बोट, जेट स्कीइंग एंड अंडर सी वॉक. तो सारी एक्टिविटीज हम करेंगे और आपको दिखाएंगे. अमृत अभी करिए पैराग्लाइडिंग, उसके लिए वो चेंज करने की है. टिल द टाइम मैं थोड़ा वीडियो संभालता हूँ. पटाया आयो और अगर आप ये एक्सपीरियंस नहीं करते तो कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है, तो बेटर कि आप थोड़ा बहुत हिम्मत करके आप कर लिया करो. अमृत कैसी फीलिंग आ रही है? थोड़ा सा नर्वस हूं, मुझे डर लग रहा है अभी. सो आई एम गोइंग फॉर पैरा सेलिंग. मेरा बहुत ज़्यादा फियर है लेकिन फियर को ओवरकम तो करना ही पड़ेगा. सो अभी लाइन में चलते हैं. अमृत एक्साइटेड? अब मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड लेट्स सी कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. अमृत गई. अमृत हाथ छोड़ दे. अमृत ने भैया को बोला था, जो ये गाइड को बोला था कि मुझे छोटा राउंड कराना, एंड अमृत को सबसे आगे ले गया है. अमृत
मुझे ताकि मैं उसको डिप करा दो एक बार, बट आई थिंक नहीं करवाएंगे ऐसे। But it is worth it. अच्छा लगता है, ऊपर जाके डर निकल जाता है and you enjoy the view, everything. So must. अब इसके बाद ही आएगी हमारी next boat, speed boat, जिसके अंदर हम बैठ कर जाएंगे अब सीधा कोरल आइलैंड, जो कि यहाँ से लगभग 20 मिनट्स की दूरी पर है। सो वहाँ पहुँच के अच्छे से आपको पूरा ब्यूटीफुल बीच दिखाते हैं, प्लस अमेजिंग सी एडवेंचर एक्टिविटीज भी करनी है हमें। हमारा नेक्स्ट स्टॉप जिनको सी वॉकिंग करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर उतरने के लिए कहते हैं, अदरवाइज बाकी सब लोगों को ये लोग ले जाएंगे बीच पर, मतलब कोरल आइलैंड पर। अब गौतम जा रहे हैं सी वॉकिंग करने। सी वॉकिंग इज बेसिकली आपको सी के अंदर नीचे वॉक करवाते हैं, जहाँ पर आपको कॉरल्स वगैरह देखने को मौका मिलता है, मरीन लाइफ आप लोग देख सकते हैं, एंड अंदर जाकर ना प्रॉपर वीडियो शूट भी होता है, एंड अभी तक तो हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। मैंने इस बार सोचा अब गौतम जाएगा सी वॉकिंग करने, मैंने पैरा सेलिंग कर लिया है, सो लेट्स सी गौतम का कैसे एक्सपीरियंस रहता है। एंड ये लोग जैसे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रहे हैं बाकी सबको कि जिनको सी वॉकिंग करनी है, तो उसके ये है कि आपको ना जैसे अंदर जाओगे ना, तो वो एक तरीके का आपको ऑक्सीजन मास्क, एक तरीके से पूरा हेलमेट जैसे वो देखने में लगता है, काफ़ी बड़ा होता है, हैवी भी होता है, वो आपको वेयर करके जाना होता है, बट आप उसके अंदर अपना सर जो आप जब आप वॉक करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ना लेफ्ट राइट हिलाना है, ना नीचे देखना है, बिकॉज उससे क्या होगा, जो पानी होगा ना वो आपके अंदर चला जाएगा और आपको अनईजी कर देगा, एंड कोई भी अंदर कोई डिफिकल्टी या कुछ हो जाता है तो ये साइन करना है एंड दे विल टेक यू आउट। गौतम अब शायद ये बाकी सबके साथ जाएंगे, जैसे एक ग्रुप बना हुआ है सबको, आई थिंक 4 या 5 लोग जाते हैं एट अ टाइम। इतना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ से, एंड मेरे को तो सी वाटर देखने में बहुत अच्छा लगता है, आई एम अ सी पर्सन, मतलब देखने के लिए अच्छा है, बट मुझे अंडर वाटर जाते हुए थोड़ी दिक्कत होती है। गौतम से चल के पूछते हैं कि क्या अब डिसाइड हुआ है, कब इनकी टर्न आएंगी। बाय। एंड गौतम फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगे हैं अंडर वाटर सी वॉक, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी हिम। अब आएंगे तो पूछेंगे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, एंड जस्ट अभी गौतम अंदर चले गए हैं सी वाटर के, एंड लेट्स सी उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। पीछे भी अगर आप देखोगे अभी जेट स्कीइंग भी हम लोग ट्राई करेंगे, एंड बनाना बोट राइड भी ट्राई करेंगे, एंड यहाँ का जो वाटर है ना बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ सुथरा सा पानी है, मतलब ये चीज़ें कि मेरा मन खुश हो गया कि बीच का वाटर बहुत अच्छा है। सो अभी हमें निशांत भी मिले, यही इन्होंने भी हमारे साथ ही टूर बुक किया था, हम लोगों का बहुत अच्छा गया, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, इन्होंने भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करी है, राइट? यस, पैरासेलिंग्स,
और पैरासेलिंग ट्राई करा था आपने? सी वॉक भी किया। तो कौन सी ज्यादा अच्छी लगी आपको? सी वॉक वाज गुड। अच्छा, मैंने तो पैरासेलिंग ट्राई करी थी, गौतम ने ट्राई किया था सी वॉक, बट अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है पटाया? हाँ, अच्छा लग रहा है। समथिंग फर्स्ट टाइम विजिट या फर्स्ट विजिट? हम लोगों के पास 2 बजे तक का टाइम है, जो भी हमारी वाटर एक्टिविटीज़ रह गई है वो उनको कंप्लीट करने का, प्लस यहाँ पर बैठकर हम लोग रिलैक्स भी कर सकते हैं। ये चीज़ अच्छी है कि टूर पैकेज के अंदर इन्होंने हमें ऐसे सिटिंग चेयर्स भी प्रोवाइड करे हैं। अदरवाइज़ अगर आप कोई भी बीच पर जाते हो तो यहाँ पर जो बीच वाले होते हैं इसका भी आपसे एडिशनल चार्ज लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग फॉर जेट स्कीइंग एंड यहाँ पर अगर बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज ऐसी आइलैंड्स पर आकर ना आप लोग वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ का मज़ा ले सकते हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें वहाँ नहीं हो सकती। सो यहाँ पर आप लोग डेफिनेटली आना, हम लोगों को तो बहुत मज़ा आ रहा है। सो लेट्स गो फॉर जेट स्कीइंग। सो अब मैं रेडी हो गई हूँ, लाइफ जैकेट वेयर कर लिया एंड मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाली हूँ जेट स्कीइंग का, एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड। बस मुझे है कि कहीं वो पानी में ना गिरे, बिकॉज मुझे स्विमिंग नहीं आती। एंड जो जो हमारे ग्रुप में आया वो भी लोग अलग अलग सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एंड अभी आगे चलते हैं और जेट स्कीइंग का देखते हैं, बिकॉज आगे रश बहुत है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एक्टिविटीज़ के लिए खड़े हुए हैं। गौतम जाने वाले हैं फॉर बनाना राइड। गौतम मजा आने वाला है, ऑलमोस्ट हमने सोचा कि हम सारी एक्टिविटीज करेंगे, बट पता नहीं क्या यहाँ पर पहुँच के ना अपना माइंड चेंज हो गया एंड हम लोगों ने सभी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज करी हैं। अभी जो हमारे साथ गए थे ना, अभी जिनका मैंने अभी शूट करके दिखाया, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही गिर गए। आई डोंट नो उनका वेट का चक्कर था क्या था, मतलब वैसे यूजुअली वापसी में आते हुए रिटर्न में गिर जाए ये लोग नीचे, बट पहले ही गिर गए, अब ये लोग वापस आ रहे हैं। गौतम तो चला के ये सब हम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, रियली अमेजिंग। गौतम को सोलो एंजॉय करने का मौका मिला है। बस थोड़ी धूप कम होती ना तो और अच्छा लगता, एंड अभी थोड़ी देर बाद वेदर और अच्छा हो जाता है 3-4 बजे के करीब। सो इन्होंने हमसे 500 थाई बाट लिए 2 लोगों के, वैसे पर पर्सन बोल रहे थे 300 थाई बाट, लेकिन हमने 2 लोग थे तो इन्होंने हमें 500 थाई बाट में दे दिया, जिसके अंदर हमारा पिकअप था एंड ड्रॉप अप फैसिलिटी है हमारे होटल तक, प्लस इंक्लूडिंग है इंडियन लंच भी। अगर आप यहाँ पर आके वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं जैसे कि हम लोगों ने करी, तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि हम लोगों ने तो यहाँ पर पैकेज ले लिया था जिसके अंदर सभी चीज़ें इंक्लूड थी, जो कि हमें बहुत ज़्यादा सही पड़ा, इन बजट भी पड़ गया। अलग अलग लोगे तो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, एंड इसका जो कॉस्ट पड़ा हमें पूरा टोटल पैकेज 2500 थाई बाट था। तो अगर आप पैकेज में आते हो ना, जैसे ग्रुप में आते हो, तो आपको ये तरीके की फैसिलिटी मिलती है, आपको अच्छे से ये लोग गाइड करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, पिकअप ड्रॉप अप सब इजी रह जाता है। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना, इस टाइम पर भी कितने सारे लोग हैं जो डिफरेंट, अभी काफ़ी सारे लोग पीछे भी रिलैक्स कर रहे थे, लेकिन अब हमारा टाइम हो गया है वापस अपने पटाया सिटी में जाने का, जहाँ पर जाकर अभी हम लंच करेंगे, बिकॉज हम लोग बहुत थक गए हैं।
सो यहाँ पर आकर आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने करी। पैकेज के अलावा आपको ये चार्जेस पे करने पड़ते हैं, एंड यहाँ पर भी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज का प्रॉपर एक पैकेज बनता है, जिसका जो हमें कॉस्ट पड़ा वो था 2500 थाई बाट, जिसमें सभी एक्टिविटीज इंक्लूड थी। अगर आप अलग से लेते हो तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, सो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आपको सोलो एक्टिविटीज करनी है तो उसका भी मैं रेट आपको बता देती हूँ। पैरासेलिंग के लिए जो है वो है 800 थाई बाट पर पर्सन का, एंड अगर आप जेट स्कीइंग करते हैं, बनाना राइड करते हैं, उसका है 500 थाई बाट। अगर आपको कोरल अंडर वाटर सी वॉक करनी है उसके है 1500 थाई बाट, जिसके अंदर आपकी जो अंदर जाके वीडियो बनाएंगे वो सब इंक्लूड रहेगा। सो इट्स आवर टाइम टू गो बैक टू पटाया सिटी। पूरा बीच वाली वाइब आ रही है इसकी टी शर्ट को देखकर, एंड आज भी हम लोगों ने ट्रेनिंग करी है। कैन यू सी ग्रीन विद द ग्रीन टी शर्ट। जब स्पीड बोट स्टार्ट होती है ना तो उसका इंजन इतना प्रेशर से, आप देख रहे होंगे पानी कितनी जोर जोर से गिर रहा है। आर यू टायर्ड? नो। हाँ, नॉट एनी मोर। चप्पल तो मैंने हैंड में ही रख लिया है। अभी हम लोग कोरल आइलैंड से पहुंच चुके हैं अपना लंच करने के लिए। ये है जगह जहाँ पे उन्होंने अभी हमें ड्रॉप किया है। पीछे पूरा बुफे लगा हुआ है, आपको वेज भी मिलेगा एंड नॉन वेज के भी ऑप्शंस हैं। तो चलकर थोड़ा देखते हैं, एंड इस टाइम पर मौसम भी बहुत अच्छा हो गया क्योंकि धूप थोड़ी कम हो गई है एंड हवा चल रही है। एंड ये है टोकन्स जो इन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं, एंड ये हम लोग डालकर ले आए हैं इनके। सॉरी गिर गया। एंड दिस इज लाइक अ मिक्स रायता, थोड़ा सा पतला है बट छाछ टाइप है। मैं ऑलरेडी एक बार पी चुकी हूँ, मैं दोबारा रिफिल करके लाई हूँ। आलू बैंगन है, मटर पनीर है, येलो दाल थे, राइस थे इन वेज, एंड चपातीज भी है बिल्कुल गर्मा गर्म, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एंड नॉन वेज का भी ऑप्शन था, एक चिकन करी था, क्या था एक नॉन वेज भी राइट में पड़ा हुआ है, चिकन करी। गौतम को मालूम ही नहीं था कि नॉन वेज भी है। भागो गौतम भागो। अभी हम लोगों ने लंच किया, एंड लंच की क्वालिटी ऑफ द फूड वॉज जस्ट सो गुड। ऐसा लग रहा था पूरा इंडिया में जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही था। इनफैक्ट हमें स्वीट डिश भी मिली थी, ये सूजी का हलवा भी इन लोगों ने प्रोवाइड किया था। और इनका जो रेस्टोरेंट है वो है महाराजा रेस्टोरेंट, थाईलैंड में हम लोगों ने देखा था। थाईलैंड में इनका वॉकिंग स्ट्रीट के बिल्कुल नियर बाय ना, हाँ, रेस्टोरेंट भी है, बना हुआ है, ट्राई कर सकते हो। फूड बहुत अच्छा था वैसे, नॉर्मली मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, मतलब बुफे में इतना अच्छा फूड, क्वालिटी अच्छी थी और टेस्ट बहुत अच्छा था। मतलब इंडिया से बाहर आए और इंडिया वाला खाने का टेस्ट मिले तो क्या ही बात है। एंड इन लोगों ने हमारी काफ़ी सारी फोटोज़ वगैरह क्लिक करी है, पहले देख लेते हैं किस तरीके की फ़ोटोज़ आई हैं। एंड ये जो है ये हमें 100 बाट की सेल करेंगे। सो ये है जो मेरी फ़ोटोज़ आई हैं, पैरा सेलिंग की है, इस तरीके की जो हमने फ़ोटोज़ खिंचवाई थी, जेट स्कीइंग की है, ये तो बहुत अच्छी आई है। एंड ये गौतम ने जो बोट राइड करी थी उसकी है। एंड ये सभी का जो कॉस्ट है वो है 100 थाई बाट। आई होप आपको आज का हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो, एंड हमने आपको बहुत अच्छे से जितना हम दिखा सकते थे हमने आपको पूरा कोरल आइलैंड का टूर दिया, कैसे आप लोग पैकेज बुक कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोग वहाँ जाके कर सकते हैं, कितना आपको कॉस्ट पड़ेगा, सब कुछ आपको बताया। एंड और भी बहुत सारे व्लॉग्स आप लोगों के लिए आने वाले हैं, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे आपसे जल्दी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।